हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में वो पूछा जाता है। अब तक क्या था, जब हमारा सेमेस्टर वाइज नहीं था तो वो अब तक बीएससी सेकेंड ईयर में आपसे पूछा जाता था। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होंगी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, इन सारी बातों को हम एक एक करके आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमारा टॉपिक है आज का कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। हमने लिखा कि डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आपका डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होता है, बट हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक, जैसे हमने लिखा कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन एफ टी फॉर टी ग्रेटर देन एन इक्वल टू जीरो is given by the function fp such that, it means Laplace ft equal to fp equal to 0 से infinite e का power minus pt ft dt। ये हमारे पास Laplace transformation का formula होता है। अब आप बात ध्यान से सुनिए, जब हम Laplace transformation को calculate कराएंगे तो हमारे पास function given होगा t की form में। जब हम उसे calculate करेंगे, calculate करने के बाद जो उसका answer आएगा वो आएगा आपका आंसर एफ पी की फॉर्म में। इट मींस जो हमने इस चीज को लिखा हुआ है, हम आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो ये एफ पी लिखा है, आंसर आएगा आपका पी की फॉर्म में, राइट। अब हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि उन फॉर्मूलों का हम यूज किस तरीके से करेंगे। जैसे कि देखिए, आपके पास नंबर फर्स्ट है लाप्लास वन। लाप्लास वन की वैल्यू होती है आपके पास वन अपॉन पी। फिर नंबर सेकंड पे आता है आपके पास लाप्लास साइन एटी, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर नंबर थर्ड पे आता है आपके पास लाप्लास कॉस एटी, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नंबर फोर आता है आपके पास लाप्लास साइन हाइपरबोलिक एटी, तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। फिर नंबर फाइव है हमारे पास लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक एटी, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। अब देखिए, आपको फिर समझाते हैं, जब साइन 80 होगा तो आपके पास फॉर्मूला होगा a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, ये a जो है हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी हमारे पास, राइट। इसी तरीके से cos 80 तो फॉर्मूला होगा p अपॉन P square plus A square। अब जब हम hyperbolic में पढ़ेंगे इन फॉर्मुलों को, जो आपके पास ये H, H का मतलब है यहाँ hyperbolic से, ऐसी सेम है यहाँ भी H, H का मतलब है यहाँ hyperbolic से, ठीक है ना। तो हम केवल साइन वाले और सिंपल वाला फॉर्मूला जो है आपका साइन का और जिसमें hyperbolic जुड़ा हुआ, उनमें केवल इतना सा अंतर है कि यहाँ आपका पॉजिटिव और यहां आपका नेगेटिव आएगा। सेम एज ऐसी कॉस में यही करना है कि अगर हाइपरबोलिक जुड़ेगा तो डिनोमिनेटर में यहां माइनस आ जाएगा, राइट। अब देखिए, नेक्स्ट है आपके पास नंबर सिक्स, लाप्लास टी का पावर एन, तो फॉर्मूला होगा एन फैक्टोरियल अपॉन टी का पावर एन प्लस वन। अब फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास लाप्लास टी का पावर एन, तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास गामा एन प्लस वन अपॉन पी का पावर एन प्लस वन। फिर कि एन क्या है यहां पे, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, सेम इज, राइट। अब देखिए ध्यान से, एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है, t का पावर n, n फैक्टोरियल अपॉन p का पावर n प्लस वन, राइट। और t का पावर n तो गामा n प्लस वन अपॉन p का पावर n प्लस वन। अब किस फॉर्मूले का कब यूज करना है, इस फॉर्मूले को देखिए, जब आपके पास n का वैल्यू सिंपल फॉर्म में दे रखा होगा वन
3 डॉटेड इस फॉर्म में दे रखा होगा, तो आपको यूज करना है फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले का, राइट। दूसरा, गामा वाले फॉर्मूले का यूज कब करना है, जब आपके पास n की वैल्यू 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 इस फॉर्म में अगर आपके पास n का वैल्यू गिवन है तो आप यूज करेंगे गामा के फॉर्मूले का, राइट। और अगर सिंपल फॉर्म में वैल्यू गिवन है आपके पास तो आप फॉर्मूले का यूज करेंगे n फैक्टोरियल वाले का, राइट। अब देखिए आगे फिर नेक्स्ट फॉर्मूले हैं हमारे पास, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास लाप्लास e का पावर at इक्वल टू 1/p-a, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका, राइट। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, लाप्लास e की पावर 80, जब यहां आपका a पॉजिटिव होगा तो यहां आप माइनस का यूज करेंगे, राइट। और अगर आपका यहां a नेगेटिव होगा तो आप यहां पॉजिटिव का यूज करेंगे, बात क्लियर है, ठीक। अब देखिए जो हमने ये फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूलों के ऊपर आपके आपसे क्वेश्चन पूछे थे, और एक चीज को और ध्यान से समझिए आप लोग, जो अभी मैंने आपके लिए लाप्लास के फॉर्मूले लिखे थे, ये फॉर्मूले आपसे एग्जाम में सीधे सीधे बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाते हैं जैसे कि हमने फॉर्मूला लिखा था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख के दिखाता हूं कि लाप्लास साइन 80 ये लिखा था, तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास कि a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो सीधा सीधा कहता है कि लाप्लास साइन 80 की वैल्यू बताइए, राइट। तो लाप्लास साइन 80 की वैल्यू होती है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आपको ध्यान रखना है सीधे सीधे फॉर्मूले, जैसे फॉर्मूले भी मैंने सारे आपको लिखवाए थे वो फॉर्मूले आपको सारे के सारे बिल्कुल वैसे ही याद रखने हैं, राइट। अब देखिए इन फॉर्मूलों को पुट किस तरीके से करते हैं वो आपको सिखाते हैं, तो वो क्वेश्चन में लेके सिखाते हैं आपको। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड लाप्लास, वैल्यू है आपके पास 5t-2, ये है आपके पास वैल्यू, ठीक। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन, लाप्लास 5t-2, राइट। अब देखिए सबसे पहला काम, जो हमारे पास ये लाप्लास है, इस लाप्लास को इन दोनों के साथ में सेपरेट करेंगे आप, तो हमारे पास हो जाएगा 5 लाप्लास t-2, 2 को हमने बाहर रखा, और लाप्लास 1, राइट। अब देखिए 5 आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहां हमने अभी फॉर्मूला लिखा था कि लाप्लास t का पावर n का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन p का पावर n प्लस 1, तो देखिए कैसे यूज करेंगे, 5 आपका ऐसे, t का कोई पावर नहीं है तो t का पावर कितना लिख सकते हो आप, 1, तो हम यहां लिखेंगे 1 फैक्टोरियल अपॉन p का पावर n, n की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2, ऐसे लाप्लास 1 की वैल्यू होती है आपके पास 1 अपॉन p, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1, तो आपके पास हो जाएगा 5 अपॉन p स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 अपॉन p, अब p स्क्वायर इसमें आपका हो जाएगा एलसीएम, तो यहां से आएगा 5-2p, ये आपका इसका आंसर, राइट। जब आपके पास सिंपल 5t-2 है तो आपको लाप्लास किस तरीके से यूज करना है, वो हमें लाप्लास को इस तरीके से यूज करना है, बात क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्वेश्चन है आपके पास 3e-4t-4-cos3t+3sin4t, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक। अब देखिए मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिए पहले,
कि हमें करना किस तरीके से। देखिए हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म भी है, एल्जेब्रिक फॉर्म भी है, और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी है, राइट। इससे आपको एक्सपोनेंट फॉर्म कैलकुलेट करना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को कैलकुलेट करना और एल्जेब्रिक फॉर्म को कैलकुलेट करना किसके अकॉर्डिंग, लाप्लास के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ध्यान से देखिए आप। लाप्लास 3 e की पावर 3t प्लस 5 t का पावर 4 माइनस 4 cos 3t प्लस 3 और sin 4t, ये है आपके पास वैल्यू। अब देखिए इस लाप्लास को सबके साथ ना सेपरेट करके लिखना है, 3 लाप्लास e का पावर 3t प्लस 5 लाप्लास t का पावर 4 माइनस 4 लाप्लास cos 3t प्लस 3 लाप्लास sin 4t, राइट। अब बहुत ध्यान से समझना, देखिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था लाप्लास e का पावर 8t, फॉर्मूला था हमारे पास 1 अपॉन p माइनस a, ये फॉर्मूला था। अब देखिए आपका 3 ऐसे लाप्लास e का पावर 8t, a की जगह कितना है आपका 3, तो हमारे पास हो जाएगा ये 1 अपॉन p माइनस 3, राइट। आगे चलिए प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, लाप्लास t का पावर n, तो देखिए लाप्लास t के पावर n का अभी हमने फॉर्मूला लिखा था n फैक्टोरियल अपॉन p का पावर n प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी है 4, 4 फैक्टोरियल अपॉन p का पावर 4 प्लस 1 माइनस ये 4 आपका ऐसे ही। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि लाप्लास cos 80, फॉर्मूला था आपके पास p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहां एक जगह कितना है 3, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए p अपॉन p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट, प्लस 3। अब साइन वाले में इसमें और उसमें कितना चेंज है, देखिए साइन वाला यहीं से बन जाएगा आपका फॉर्मूला, केवल यहां क्या हो जाएगा p की जगह आपका a हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 4, तो हो जाएगा 4 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट। आगे देखिए ये हो गया आपके पास 3 अपॉन p माइनस 3, राइट, प्लस 5 आपका ऐसे। जब आप 4 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखोगे, तो 4 3 जा 12 2 जा 24 अपॉन p का पावर कितना हो गया 5 हो गया आपका, राइट, माइनस 4 p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9, ये कितना हो गया 12 p स्क्वायर प्लस 16, फाइनल आंसर बनेगा 3 p माइनस 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे कितना हो जाएगा 120 और p का पावर 5, 4 p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12 अपॉन p स्क्वायर प्लस 16, ये आपका इसका फाइनल आंसर है, राइट। देखिए एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं, आप मेरी बात ध्यान से समझिए। जब आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म, एल्जेब्रिक फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आपके पास दे रखी है, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए से जब लाप्लास फाइंड आउट करेंगे, तो हमने एल मतलब लाप्लास, लाप्लास लिया हमने, अब इस लाप्लास को सारे फंक्शन के साथ में हमने अलग अलग करके लिखा। अब यहां लाप्लास e की पावर 80 का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन p माइनस a, बट a की जगह कितना है हमारे पास 3 दे रखा है, ये t का पावर n का फॉर्मूला कि 4 फैक्टोरियल अपॉन p का पावर n प्लस 1, n की जगह 4, तो 4 प्लस 1, और ये आपके पास cos का फॉर्मूला है डायरेक्ट, और ये आपका sin का फॉर्मूला लगाया, ठीक। अब बाकी हमने इसे कैलकुलेट किया, इससे आगे हमें इसे कैलकुलेट नहीं करना है, बात क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है लाप्लास को करने के लिए आपको किस तरीके से काम करना है,
बात समझ आ रही है? आपको जैसे जैसे स्टेप्स को बताया जाता है, आप उन स्टेप्स को वैसे वैसे फॉलो करते जाइए, आपको लाप्लास में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात क्लियर है? देखिए आगे चलते हैं, नया क्वेश्चन लिखते हैं फिर से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। देखिए रहेगा आपका कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका देखो इक्वेशन चेंज करते हैं, लाप्लास कॉस स्क्वायर 80, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, यह है अब आपके पास क्वेश्चन। देखिए हम आपको एक बात समझाते हैं, आप हमारी बात समझिए, जो चीज आपको हमारे चैनल पे मिलेगी वो चीज आपको किसी अदर चैनल पर नहीं मिलेगी, यह चीज हम एक दावे के साथ कह सकते हैं। दूसरी बात, जिस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम करा के देते हैं उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, एक बिल्कुल सरल लैंग्वेज में जिसे कहते हैं सिंपल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में हम इन क्वेश्चंस को करा के देंगे। बच्चों को यह लगता है कि लाप्लास तो बहुत भारी टॉपिक है आपका, बहुत हार्ड है, हमारी समझ ही नहीं आता है। आप एक बार हमारी वीडियो को देखिए, उसके बाद कमेंट में डाल के आप हमें यह बताइए कि हमारे वो बात समझ नहीं, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं रहेगा इसके अंदर, या ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा आपका जिससे आपका कोई टॉपिक समझ ना आए, या कोई बात आपको ऐसे लगे कि ये हमारे सिर के ऊपर होके गई है। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से फॉलो करते हुए चलना है, ठीक। अब जैसे आपका क्वेश्चन है कि लाप्लास कॉस स्क्वायर 80, अब बच्चे कहते हैं साहब इस पर तो स्क्वायर आ गया, इसका तो फॉर्मूला ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है फॉर्मूला, तो देखिए जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है तो उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आप बस देखो ध्यान से, हमारे पास यहां कॉस 280 का फॉर्मूला लिखिए, आप किसके फॉर्म में लिखना है कॉस 280 का फॉर्मूला, कॉस की ही फॉर्म में लिखना है आपको, राइट। देखिए तो फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर 80, राइट, और माइनस का 1, ये है आपके पास, बात क्लियर है। अब कॉस का फॉर्मूला कॉस में क्यों ओपन किया, क्यों हमारे पास यह वैल्यू कॉस में है और मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखिए अब यह 1 इधर आ जाएगा, तो कॉस 280 और माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 80, अब इसका 2 इधर लेके आ जाइए, कॉस 280 माइनस 1 और पूरे का अपॉन 2, ये वैल्यू मिल गई मुझे कॉस स्क्वायर 80 की, राइट। अब जो हमने ये कॉस स्क्वायर 80 की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, इसकी जगह हम इस वैल्यू को लिखेंगे, राइट। देखो कैसे, लाप्लास कॉस 280 माइनस 1 अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास, राइट। अब देखिए आगे क्या करना है भाई, ये अपॉन 2 इसे आप बाहर निकाल दीजिए, लाप्लास कॉस 280 माइनस 1, अब देखिए 1 अपॉन 2 आपका ऐसे ही रहेगा, लाप्लास के साथ कॉस को आप अलग लिखिए माइनस और लाप्लास 1, ये आ गया आपके पास, ये 1 अपॉन 2 आपका ऐसे ही रहेगा, राइट। जो लाप्लास कॉस 80 इसका फॉर्मूला है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए, ए की जगह कितना है आपका 2a और इसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन पी, ये आ गया आपके पास, राइट। ये 1 बाई 2 आपका ऐसे ही पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन पी, ये आ गया आपके पास, बात क्लियर है। देखो अब आप इसे और कैलकुलेट कर सकते हो, अभी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 1 बाई 2 आपका ऐसे ही, ये एलसीएम हो गया पी पी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो सिंबल चेंज हो जाएंगे इनके, और माइनस 4 ए स्क्वायर, इस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक। देखिए आगे चलते हैं, ऊपर बचेगा माइनस 4 ए स्क्वायर अपॉन 2 पी पी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो माइनस 2
ए स्क्वायर अपॉन पी पी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है? तो देखो कितना सिंपल हो गया, हो गया या नहीं हो गया सिंपल, राइट? तो आप मेरी बात को बस ध्यान से आप सुनते जाइए और समझते जाइए चीजों को। आपको कोई भी टॉपिक यही पता नहीं चलेगा कि हार्ड था या आसान था, सारे के सारे टॉपिक आपको बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। मेरी बात समझ आ रही है ना? बस मेरी ये छोटी छोटी बातें हैं, उन बातों को आप ध्यान से समझते हुए चलना और उन सारी बातों को आपको अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना है, ठीक है ना? देखिए आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लाप्लास साइन 80 कॉस 80, ये है आपका क्वेश्चन, राइट? देखिए यहां साइन 80 और कॉस दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट? इसका क्या फाइंड आउट करना है भाई? लाप्लास फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है ना? तो हम काम क्या करेंगे? अब देखो हमें ऐसा नहीं करना है कि दोनों पे अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, हमें काम क्या करना है? काम यह करना है कि लाप्लास साइन 80 कॉस 80, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, डिवाइड वाले 2 को आप बाहर निकाल दीजिए और ये फॉर्मूला बन गया साइन 280 का, राइट? अब बिल्कुल देखो सिंपल क्वेश्चन हो गया ये आपका। अब आपको क्या काम करना है कि लाप्लास साइन 80 का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है a, एक ही जगह कितना है आपका 2a अपॉन p स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया a अपॉन p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये इसका आंसर, राइट? देखिए हम आपको फिर समझाते हैं, जब आपके पास इस तरीके की फॉर्म है कि साइन 80 कॉस 80, इनके एंगल सेम है, जब एंगल सेम है तो हम एक बार जानते हैं कि साइन 2a का फॉर्मूला बन सकता है ये, तो 2 से डिवाइड और 2 से हमने क्या कराया मल्टीप्लाई, तुरंत ये आपका साइन 280 का फॉर्मूला बन गया, राइट? तो हमने फॉर्मूला लगाया कि a अपॉन a की वैल्यू कितनी है यहां हमारे पास 2a, तो a अपॉन p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसे जब कैलकुलेट किया हमने तो a अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर। बात क्लियर है? बस देखो आप जो हमारी जितनी भी वीडियो आपको मिलेंगी उस वीडियो के बारे में जो अगला टॉपिक होगा वो, जैसे आज हमने ये वीडियो बनाई आपके लिए, इस वीडियो में आपको अगले टॉपिक के लिए जितने भी अब आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक है वो आपको लेक्चर टॉपिक वाइज टॉपिक वो आपको मिलते रहेंगे। जैसे ये आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, लाप्लास में कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, आपकी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, उन सबके ऊपर आपको नई वीडियो जो मिलेगी आपको उसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि कोई भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। बात क्लियर है ना? अब जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपके लिए ये सारे टॉपिक आपको उस वीडियो में हम कराएंगे और आपको बिल्कुल एक आसान तरीके से आपको प्रोवाइड कराएंगे सारी चीजों को। बस आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए जिससे लोगों को पता चले कि सचिन कोचिंग पे बीएससी की क्लास चलती नहीं है, उसे इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है कि अदर किसी कोचिंग पे आपको वो क्लास सुनने को भी नहीं मिलेगी। बात क्लियर है ना? तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और उसे सब्सक्राइब भी करें, ठीक? तो नई वीडियो के साथ मिलते हैं आपको,